हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज देखिए हम जो पराठा बनाने वाले हैं उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये हमने ब्रोकली को ग्रेट कर लिया है, ये मैंने एक उबला आलू पड़ा था उसको ग्रेट कर लिया है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है, कटा हुआ हरा धनिया है ढेर सारा, एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, और ये हमारे पास ना आधा कप के करीब आलू बीन्स की सब्जी रखी थी जो शाम को ही हमने बनाई थी। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये लिया है हमने आटा एक कप। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले सब्जियों को अच्छे से ऐसे मैश करेंगे, मिक्स करेंगे काफ़ी सारी, और नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि हमारी सब्जी में भी नमक है। इसको भी हाथ से हम अच्छे से मैश करेंगे, और पहले ना हम आटा डाल के देखेंगे, ठीक है, कि हमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। तो पहले आटा डाल देंगे और उसको भी हाथ से हम मिक्स करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। और आप देख सकते हैं बिना पानी के ना हमने इस तरह से इसको मसल मसल के लगाया, क्योंकि सब्जियां ना धीरे धीरे पानी छोड़ती हैं। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डाल के, एक चम्मच भी नहीं आधा ही चम्मच डालेंगे, और इसको फिर से हम थोड़ा सा डो को चिकना करेंगे, ठीक है, और फिर इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 15-20 मिनट हो गए हैं, आटा हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये मिक्स हो गया है आटा, कितनी सारी सब्जियां हैं इसमें। अब हम इसमें से तोड़ेंगे लोई। जितना बड़ा पराठा आपको, जितना बड़ा आप रोटी भी बना सकते हैं इसकी ना। आप देखिए एक कप आटा है और सब्जियां कम से कम नहीं तो दो कप है, तो बेलने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये इससे बहुत सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। तो हमने लोई को सूखे आटे में डस्ट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे हाथ की सहायता से, उंगलियों की सहायता से, अंगूठे की सहायता से, जैसे भी आप बड़ा करते हैं अपने घर में उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। और हम बेल लेंगे इसको। देखिए कितने आसानी से ही बिल रहा है, क्योंकि हमने 15 मिनट रख दिया, अदरवाइज जब मैंने आटा लगाया था तो ऐसा लग रहा था बिखरा बिखरा आटा है। अब हम लगाएंगे इस पे थोड़ा सा घी, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, और जिस भी शेप में आप पराठा बनाना चाहते हैं उस शेप में आप ये पराठा बना सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ। और अब इसको फिर सूखे आटे में डस्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे और बस बेल लेंगे। देखिए तो ये पराठे खाने में हेल्दी तो हैं ही, पर स्वादिष्ट भी बहुत हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तवा ऑलरेडी हमने गर्म करना रख दिया है, जितना पतला मोटा बनाना है ना आप उतना पतला मोटा बना सकते हैं। इसको डालते हैं तवे पर, ऐसे ही हम एक और पराठा बना लेंगे। आप जरूर वीडियो को ना लास्ट तक देखा करिए कैसे बना रहे हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और शेयर जरूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर शेयर कीजिए। सब्जियाँ आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या जो सब्जी आपको पसंद है ना वो आप ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये पराठा बिल रहा है, क्योंकि हमने आटे को अच्छे से मथा है और फिर अच्छे से लगा के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। ये पराठा हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर से हल्का हल्का जब सिकने लगे ना तब हम इसको पलट लेंगे, और घी या ऑयल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, मैं इसमें घी लगा रही हूं, उसी में आप बना सकते हैं। आप सीधे इसकी रोटी भी सेक सकते हैं, आप ऐसे कच्चा पराठा बना के बटर के साथ भी खा सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। ये देखिए घी वाले पराठे में थोड़ा धुआं उठता है, और ये देखिए कितना बढ़िया ये पराठा सिक रहा है। गैस को धीमा कर देंगे, ऐसे पराठा देखिए फूल रहा है, उलटते पलटते हुए हम ऐसे सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सिका है। ये पराठा हम निकाल लेंगे और दूसरा पराठा हम डाल देंगे।
ये पराठा भी हमारा अच्छे से सिक गया है। अब हम करते हैं प्लेटिंग, देखिए पास से। और ये देखिए, आज हम ये पराठे खा रहे हैं बटर और चटनी से, बहुत ही यम्मी। बारिश के मौसम में ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।